subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Study with NCERT में आपका स्वागत है. आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का सातवां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट वाले चैप्टर जो कि पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने ह्यूमन इन्वायरमेंट को एक कैटेगरी माना था इन्वायरमेंट का, और उसमें थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था. आज हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके सेटलमेंट्स के बारे में खास तौर पे पढ़ेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि सेटल हो जाना, मतलब कहीं रहने लगना. तो जैसे कि कोई जगह है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनने लगती है, वहाँ पे लोग आकर रहने लगते हैं, एक गांव बस जाता है तो उसे सेटलमेंट कहा जा पाएगा. सेटलमेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स एंड लाइफ. इसमें एंड लाइफ जोड़ लीजिएगा, मतलब कि सेटलमेंट्स ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे लोग अपना घर तो बनाते ही हैं फिर उसमें रहने भी लगते हैं, तो उसे सेटलमेंट कहा जाता है. और किसी खास जगह पे मान लीजिए कि कोई घर बन रहा हो तो उसे साइट कहा जाता है. तो ऐसे आप उसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्लेस वी आर बिल्डिंग डेवलप्स इज कॉल्ड साइट. हम लोगों ने इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स पूरी तरीके से रोटी कपड़ा और मकान के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट पर निर्भर होते हैं, मतलब कि नेचर पे ही डिपेंड करते हैं. और जैसे जैसे उनमें विकास होता है वो मॉडिफाई करते हैं नेचर को अपने अनुकूल, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वो मॉडिफाई करते जाते हैं. तो चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं कि सेटलमेंट्स का इतिहास कैसा है. तो अर्ली मैंस जो थे पुराने ज़माने के, वो लोग तो एक जगह से दूसरे जगह जा कर के केव्स में रहा करते थे या ट्रीज पे रहा करते थे और हंटिंग किया करते थे. लेकिन धीमे धीमे कल्टीवेशन जब सीख गए, फूड्स को उगाना सीख गए, तब वो रहने का प्लानिंग करने लगे और इस तरीके से सेटलमेंट्स बनना शुरू हुआ. और धीमे धीमे ये सेटलमेंट्स रिवर के किनारे बसना शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पे आसानी से वाटर मिल जा रहा था और ज़मीन भी फर्टाइल हुआ करते थे. फिर धीमे धीमे लोगों में ट्रेड बढ़ा, मतलब कि एक दूसरे से आदान प्रदान गुड्स का खरीद बिक्री होने लगा. और उसी तरीके से लोगों में लोग मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, कुछ कुछ चीज़ों को बनाने लगे और फिर ये सेटलमेंट्स का हुआ और सेटलमेंट सिविलाइजेशन का रूप ले लिया. सिविलाइजेशन कहा जाता है कि डेवलप्ड सोसाइटी को सिविलाइजेशन कहा जाता है. तो ऐसा समाज बन गया जिसमें थोड़ा डेवलपमेंट आ गई तो उसे सिविलाइजेशन कहा गया. हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन क्लास 6 के चैप्टर में पढ़ा है. अब आइए देखते हैं कि कैसे कंडीशंस जो हैं फेवरेबल होते हैं सेटलमेंट्स के लिए. तो आप मान लीजिए कहीं घर बनाना चाहते हैं, तब जाहिर सी बात है कि ऐसे जगह घर बनाना चाहेंगे जहाँ पे आसानी से पीने का पानी अवेलेबल हो और क्लाइमेट अच्छा हो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्मी हो, और सूटेबल लैंड हो. सूटेबल लैंड कहने का मतलब कि पहाड़ की तरह ना हो कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस तरीके से प्लेन लैंड हो. तो और सॉइल भी फर्टाइल हो ताकि आप खेती बाड़ी कर सकें. तो इन्हीं चार कंडीशंस मेन हैं जो कि रिक्वायर होते हैं सेटलमेंट्स के लिए. तो ये चार फैक्टर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करते हैं सेटलमेंट्स कैसा होगा. और ये चार फैक्टर्स जहाँ मिल जाते हैं, जिस जगह उपलब्ध होते हैं ये चारों चीज़, तो उसे आइडियल साइट कहा जाता है, मतलब कि अच्छा जगह कहा जाता है जहाँ पे आदमी का सेटलमेंट हो सके. सेटलमेंट को टाइम पीरियड के आधार पे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्प्रोरी सेटलमेंट. नाम से ही पता चलता है कि टेम्प्रोरी सेटलमेंट मतलब कि टेम्प्रोरी कुछ खास समय के लिए. तो वैसे सेटलमेंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ कम समय के लिए ही रहा जाता हो, जैसे कि लोग अपना बस्ती बनाए और फिर जब हार्श क्लाइमेट आया, मतलब कि क्लाइमेट चेंज हुआ तो वहाँ से दूसरे जगह चले जाना. तो ऐसे सेटलमेंट को कहा जाता है टेम्प्रोरी सेटलमेंट. जैसे कि डीप फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं या हॉट या कोल्ड डिजर्ट्स में या माउंटेन रीजन में, तो वो लोग टेम्प्रोरी सेटलमेंट रहते हैं. वो कैसे, तो वो लोग क्या करते हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, चाहे हंटिंग के लिए मान लीजिए डीप फॉरेस्ट में गए, हंटिंग किए फिर वापस चल दिए, तो कुछ समय के लिए अगर रुकना पड़ा तो वहाँ सेटलमेंट हुआ. या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है, शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, और कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी. तो एक प्रकार का ये खेती बाड़ी होता है जिसमें लोग एक जगह के वन को साफ कर देते हैं और फिर वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं. और फिर जब वो वहाँ का लैंड इनफर्टाइल हो जाता है, सॉइल
फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरे जगह चले जाते हैं लोग, तो ऐसा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। और ये एग्जांपल दिया हुआ है ट्रांस ह्यूमंस का, तो ट्रांस ह्यूमंस सीजनल ये मूवमेंट होता है, ये माउंटेन रीजन में ज़्यादा पाया जाता है कि जो ज़्यादा एनिमल्स को पालते हैं, तो जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे सीजनल मूवमेंट्स होते हैं कि जैसे कि एनिमल्स के खाने पीने के सामान अगर मिल रहा है, मतलब कि जो पौधा होता है जिसे एनिमल्स खाते हैं, तो वहाँ पे रहेंगे लोग, और फिर जब वहाँ से क्लाइमेट हर्ष होता है और फिर वहाँ से ख़त्म हो जाता है एनिमल्स का फीड मिलना, तो फिर वहाँ से लोग दूसरे जगह चले जाते हैं जहाँ पे एनिमल्स का भोजन मिल सके, तो इसे ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है। अब आप टेम्प्रोरी सेटलमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रोरी सेटलमेंट। और फिर उसी तरीके से आप परमानेंट सेटलमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। तो आज जो भी सेटलमेंट है, जैसे हम लोग रहते हैं, तो ये परमानेंट सेटलमेंट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग हमेशा के लिए घर बनाते हैं और रहते हैं। यहाँ पे कहानी की तरह से दो पॉइंट समझाने की कोशिश की गई है कि एक विलेज का सेटलमेंट होता है और एक शहर का सेटलमेंट होता है, मतलब कि एक रूरल सेटलमेंट होता है और एक अर्बन सेटलमेंट होता है। तो रूरल सेटलमेंट से लोग अर्बन सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए लोग रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं। और शहर में इसके वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन भी हो जाता है, वहाँ पे लोग धनी भी होते हैं तो ज़्यादा कार और मोटरसाइकिल ये सब रखते हैं। तो गांव को रूरल सेटलमेंट कहा जाता है, और गांव में जो लोग रहते हैं वो अक्सर या तो एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, या फिर मछली पालन करते हैं, या फिर क्राफ्ट्स वर्क उसे कहा जाता है, जैसे कि कोई ख़ास कार्य में कोई माहिर हो उसे क्राफ्ट्स मैन कहा जाता है। और क्राफ्ट वर्क जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कि कोई सिलाई मशीन चलाता है, सिलाई करता है, या फिर कोई पेंटिंग करने का काम करता है, या कोई पॉट बनाने का काम करता है, तो ये सब क्राफ्ट्स वर्क है, तो ये सब ज़्यादा चलता है। और फिर उधर भी ट्रेडिंग होती है, मतलब कि खरीद बिक्री तो होती ही है, व्यापार होता है, उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और फिर गांव को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, कम्पैक्ट सेटलमेंट या स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो कम्पैक्ट सेटलमेंट उसे कहा जाता है कि घर जो है एकदम करीब करीब हो, मतलब पास पास हो, घना आबादी हो, उसे कम्पैक्ट सेटलमेंट कहा जाता है। यहाँ पे ड्वेलिंग वर्ड है, तो ड्वेलिंग का मतलब होता है कि निवास स्थान या निवास घर, तो इसके जगह पे आप हाउस भी लिख सकते हैं कि कम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरियाज ऑफ हाउसेस, मतलब नज़दीक नज़दीक हाउसेस होते हैं। और उसी तरीके से स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड का मतलब ये होता है कि दूर दूर छितरा हुआ, तो स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होता है इसमें ड्वेलिंग्स जो मतलब कि हाउसेस जो होते हैं वो बहुत दूर दूर बने हुए होते हैं। तो ये कम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब कि करीब करीब हाउसेस, एंड ये आपको फ्लैट लैंड जहाँ पे प्लेन भूमि मिलता है वहाँ पे अधिकतर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे रहन सहन आसान होता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कम्पैक्ट सेटलमेंट आपको मिल जाएगा विलेजेज में। एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है ये हिली ट्रैक्ट्स में, मतलब ट्रैक्ट्स मतलब होता है एरिया, तो पहाड़ी इलाके में बहुत कम लोग रहते हैं और उधर दूर दूर छितरा हुआ घर मिलेगा आपको। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, दिखाने की कोशिश की गई है कम्पैक्ट सेटलमेंट एंड ये स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट में भी कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है। जैसा जिस तरह जगह का इन्वायरमेंट होता है उसी तरीके का लोग घर भी बनाना पसंद करते हैं। और जैसे कि आप जहाँ पे हेवी रेंस होते हैं वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ आपको दिखेगा, स्लैंटिंग मतलब होता है कि डाउनवर्ड रूफ। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये स्लैंटिंग रूफ का एग्जांपल है। और जहाँ पे वाटर एक्युमुलेट हो जाते हैं, मतलब कि जैसे फ्लडिंग आती है, उस जगह पे आपको स्टिल्ट्स मतलब कि स्टिल्ट्स मतलब होता है खंभा, तो स्टिल्ट्स पे मतलब कि खंभे पे अड़े हुए घर आपको दिखेंगे, जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं, तो ये एग्जांपल है। तो जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ पे इस तरह का सेटलमेंट और इस तरह का हाउसेस बनाए जाते हैं। और कुछ जगह पे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस जगह पे
थर्स्ट रूप्स बनते हैं। थर्स्ट रूप्स मतलब होता है कि जो सूखे पौधे होते हैं उनके, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि उनके छत बनाए जाते हैं मोटे मोटे, ये अंदर जो है गर्मी को समझ लीजिए एसी का काम करता है, अंदर जो है मौसम अच्छा रखता है तो गर्मी फील नहीं होती है। और चारों तरफ से मड का मतलब कि ये मिट्टी का दीवाल का जो है, दीवाल के जगह पे मिट्टी का दीवाल रहता है तो इससे जो है अंदर में गर्मी कम पड़ती है, तो इस तरीके का भी घर बनता है। अंटार्कटिका में आइस का भी घर बना हुआ है, बनाया गया है जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आइस तो पिघलता ही नहीं है तो आइस का ही घर बना दिया जाता है, तो ये है। उसके बाद अर्बन में आपका टाउन्स एंड विलेजेस अर्बन सेटलमेंट्स के एग्जांपल हैं या समझ लीजिए टाइप ही हैं। तो टाउन्स जो होते हैं उन्हें छोटे शहर को टाउन्स कहा जाता है और उससे बड़े जो हों उसे सिटीज़ कहा जाता है। तो टाउन्स एंड सिटीज़ ये अर्बन सेटलमेंट के हो गए। यहाँ पे लोग अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कि कुछ कारखाना होता है वहाँ पे काम करते हैं या फिर इसमें भी ट्रेडिंग होती है एंड सर्विसेज मतलब कि नौकरी वोकरी करते हैं ये लोग, तो शहर में ऐसे अधिकतर होते हैं। अब आइए ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना या मतलब कि जाना ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो जिस भी जरिए से या जिस भी साधन से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट आप गुड्स का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है। गुड्स का मतलब होता है सामान वस्तु, और तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव, तो ये अच्छा डिफिनेशन है। और मीन्स का मतलब यहाँ पे है कि साधन या जरिए, तो जिस जरिए से पीपल या गुड्स का एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होता है उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अर्ली मैंस एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रैवल करते थे उन्हें बहुत समय लगता था, धीमे धीमे व्हील का आविष्कार हुआ मतलब कि पहिए का, और ये ट्रांसपोर्टेशन इजी होता गया। जैसे कि बाद में उन लोगों ने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया, और आज भी अपने देश में जैसे कि देख सकते हैं डोंकीज़ का, म्यूल्स का, बलॉक्स का, कैमल का यूज होता है। यहाँ पे डोंकी मतलब गधा से है और म्यूल्स उसी तरह गधा के ही प्रकार होता है, इस इमेज में देख लीजिए, और बलॉक मतलब होता है बैल, तो ये अब इस इमेज में देखिए। तो ये सब अपने देश में यूज किया जाता है और विदेशों में भी ये जानवरों का यूज होता है, जैसे कि एडिस माउंटेंस जो है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे लमास नाम का, लामा नाम का ये इमेज देखिए, ये जानवर का यूज़ किया जाता है। और तिब्बत जो कि चाइना में अब है तो वहाँ पे याक का यूज़ किया जाता है, इस इमेज में आप देख लीजिए। तो पहले अर्ली मैन जब आते थे अपने इंडिया में तो अधिकतर सी रूट्स से ही आया करते थे, पहले तो ट्रैवलिंग सी रूट्स से ही हुआ करता था। एक जगह से दूसरे जगह जाने के चार ही साधन मेजर हैं, बड़े बड़े साधन अगर कहे जाएँ तो। तो आप जैसे कि जाएंगे तो या तो रोड के सहारे जाएंगे तो उसे रोडवेज कहा जाएगा, या फिर रेल से जाएंगे तो रेलवेज कहा जाएगा, या फिर वाटर से के जरिए जाएंगे तो वाटरवेज कहा जाएगा, एंड फिर एयर के जरिए से जाएंगे तो एयरवेज कहा जाता है। अब आइए इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रोडवेज के बारे में। रोडवे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसे कहा जाता है कि डोर टू डोर सर्विस होता है, मतलब कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक का ये सर्विस होता है। आप रेलवेज को ले लें तो रेलवेज आपके घर तक नहीं पहुँचाएगा, तो इसीलिए इसे डोर टू डोर सर्विस कहा जाता है। तो इसका बहुत यूज होता है। आप रोडवेज को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है कि अनमेटल्ड रोड्स एंड मेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स को पक्का रोड कहा जाता है, तो ये मेटल रोड है, एंड अनमेटल्ड रोड को कच्चा रोड कहा जाता है, जैसे कि सोलिंग बिछा दी जाती है तो उसे अनमेटल्ड रोड, या फिर मिट्टी ही छोड़ दी जाए तो उसे भी अनमेटल्ड रोड कहा जाता है। प्लेन्स वाले रीजन में रोडवेज जो है आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए वहाँ पे रोडवेज डेंस होता है, और माउंटेन्स पे ये सब पे कम होता है, फिर भी उधर भी रोडवेज होते हैं। जैसे कि मनाली लेह हाईवे जो है, मनाली एक जगह का नाम है और लेह हाईवे एक जगह, लेह का एक जगह का नाम है, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है एक हाईवे जो कि माउंट हिमालयन माउंटेन पे है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पे ये रोड है,
तो ये हिल पे, ये माउंटेन पे है, इसलिए ये सबसे ऊंचा है। आप NH का नाम सुने होंगे, उसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे होता है। एक स्टेट हाईवे भी होता है, SH उसे कहा जाता है। तो NH जनरली 4 लेन होता है, और एक नया में अब एक्सप्रेसवेज बनने लगा है, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवेज का नाम सुने होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया गया। तो ये 6 वेज हाईवे है, तो इसे एक्सप्रेसवेज एक स्पेशल टर्म दिया गया है। ये नेशनल हाईवे से भी ज़्यादा चौड़ा होता है। और फिर जो अंडरग्राउंड रोड्स बनते हैं, ठीक है, उसे सबवेज कहा जाता है। और आप दिल्ली और मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को जोड़ने वाला एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसे कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली और मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को जोड़ता है, ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है, इसलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। अब आइए रेलवेज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो रेलवेज जो है कैरी करता है हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह और लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाने में बहुत मददगार साबित होता है। और इसमें एक्सीडेंट्स कम होने की संभावना रहती है, रोडवेज में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और ये सस्ता भी पड़ता है, चिपली भी है। और जो इसका इतिहास है वो ये है कि सबसे पहले जब स्टीम इंजन बना था, तो स्टीम इंजन को बनाने वाले कौन थे आप ज़रा कमेंट में नाम बताएं। और फिर उसके बाद डीजल इलेक्ट्रिक, फिर डीजल से इलेक्ट्रिक एंड अब सुपर फास्ट रेलवेज बन चुका है। और बुलेट ट्रेन का आप नाम सुन रहे होंगे। तो रेलवेज जो है प्लेन्स जहाँ पे होते हैं, प्लेन्स एरिया में, जैसे कि नॉर्थ इंडियन, इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट प्लेन्स हैं, तो उधर रेलवे नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि प्लेन्स है। लेकिन माउंटेंस में, माउंटेंस को काट काट के रेलवे नेटवर्क बनाया भी जाता है ज़रूरत के अनुसार। तो इंडियन रेलवे जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट है, सॉरी, तो एशिया का वेल डेवलप्ड और लार्जेस्ट इंडियन रेलवे है। लेकिन समय के अनुसार ये गड़बड़ है, बहुत लेट चलती है। उसके बाद दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे जो बनाया गया है वो चाइना में, चाइना वाले ने बनाया है, सिनिंग नाम है, ये चाइना वर्ड है। और लहासा, सिनिंग टू लहासा, सिनिंग और लहासा के बीच में ये रोड रेलवे है। लगभग 4000 मीटर की हाइट पे है। और मान लीजिए ये रेल ऐसे चल रहा है तो 4000 मीटर की एवरेज हो गई। और ये हाईएस्ट अगर पॉइंट इसे मान लिया जाए तो हाईएस्ट पॉइंट से 5072 मीटर हाइट का इसका हाईएस्ट पॉइंट है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन आपका रशिया में है। तो इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ये पीटर्सबर्ग वहाँ का रशिया का एक शहर है, व्लाडिवोस्टोक भी एक शहर है, तो दोनों को जोड़ता है। तो इस मैप में दिखाया गया है इसे। तो ये सबसे लंबा रेलवे लाइन है, ये देख सकते हैं। अब आइए वाटरवेज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो वाटरवेज को कहा जाता है कि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, और इससे जो है चीप कोई और नहीं होता है। तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, और इसमें बल्कि भारी गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा पाता है। और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए तो ये है ही है, क्योंकि ओशियन है 2/3 पार्ट, तो इसलिए ओशियंस में ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं वाटरवेज को, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स या ओशियन रूट्स। इनलैंड का मतलब होता है कि लैंड में, मतलब कि धरती पे। तो धरती पे जो शिप्स के जरिए से रिवर्स में या बड़े बड़े लेक्स में जो एक जगह से दूसरे जगह यातायात होता है, उसे इनलैंड वाटरवेज कहा जाता है। तो अपने देश में जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, तो उनमें ये इनलैंड वाटरवेज होता है। और एक लेक्स है ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमरीका का, तो उसमें भी होता है। और नील रिवर अफ्रीका का, तो नील रिवर आप जानते होंगे दुनिया का सबसे लंबा रिवर है, तो उसमें इनलैंड वाटरवेज का होता है। और जो ओशियंस या सी में एक जगह से शिप से दूसरे जगह जाते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे ओशियन रूट्स या सी रूट्स कहा जाता है। तो सी रूट्स से अक्सर अब तो
ट्रांसपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज यहाँ पे वर्ड है। मर्केंडाइज का मतलब होता है कि गुड्स जो कि बेचने के लिए हो, तो व्यापार के लिए जो सामान होते हैं उन्हें मर्केंडाइज कहा जाता है। तो वैसे गुड्स को या सामान को, वस्तु को एक जगह एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब तो लोग अधिकतर हवाई जहाज से चलते हैं, तो गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि जो सामान या वस्तुओं का, तो उसे अधिकतर सी रूट्स के जरिए से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। यहाँ पे पोर्ट वर्ड है, पोर्ट्स मतलब होता है जैसे एयरपोर्ट आप नाम सुने होंगे, तो ये हवाई जहाज़ के रुकने के लिए होता है। उसी तरीके से शिप्स के रुकने के लिए बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं जिसे पोर्ट्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो अपने इंडिया में भी मुंबई का पोर्ट फेमस है, सिंगापुर, ये और भी नाम दिए गए हैं जैसे कि एग्जांपल्स हैं ये सभी। न्यूयॉर्क का लॉस एंजेल्स एंड इन नॉर्थ अमेरिका में है, और रियो डी जेनेरियो जो कि साउथ अमेरिका में है, एंड डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका में, और सिडनी में जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। तो ये सब नाम्स हैं, तो ये सब पोर्ट्स के नाम हैं, याद हो जाए तो अच्छा है। अब आइए एयरवेज के बारे में पढ़ें। तो ये आप जानते होंगे कि ये सबसे महंगा है, लेकिन ये फास्टेस्ट है, बहुत तेज़ी के साथ आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देगा। और ये लगभग 1900 ईस्वी के बाद ये आविष्कार हुआ, तो इसलिए कहा जाता है कि 20th century, मतलब कि 1900 के बाद और 2000 से पहले, तो इसे 20th century कहा जाता है। और फिर ये बहुत एक्सपेंसिव है, और इस पे जो है एक दिक्कत हो ये आता है कि जब आंधी तूफान आता है या फिर जाड़े के मौसम में अधिक कुहासा हो जाता है, तो इसे पे लगाम लगाना पड़ता है, मतलब रुकना पड़ता है। और इसकी खासियत ये है कि ये रिमोट एरियाज़, मतलब कि जहाँ पे और सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे भी ये एयर के जरिए पहुँच सकता है, जैसे कि पहाड़ पे। और फिर ये इसमें जो छोटे हेलीकॉप्टर्स जो आते हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस के समय काम आते हैं, जैसे कि फ्लड्स आ जाता है, लोग बाढ़ में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए, खाना पहुँचाने के लिए या वाटर क्लॉथ या मेडिसिन के लिए, वहाँ पे इसका काम आता है। और फिर ये जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसके नाम दिए गए हैं अपने देश के भी और विदेशों के भी, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, लंदन, यॉर्क, न्यूयॉर्क एंड मुंबई, दिल्ली, ये सब। अब आइए कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो जैसे कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है या टेलीविज़न पे न्यूज़ सुनाया जा रहा है, तो वो अपना मैसेज जो है दूसरे को पहुंचा रहा है, तो उसे कम्युनिकेट कहा जाता है, और उसी प्रोसेस को जो है कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो या मास कम्युनिकेशन हो। तो मास कम्युनिकेशन में यह होता है कि एक बार में एक से अधिक लोगों को बताया जा रहा हो, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, ये सब में एक आदमी अपना मैसेज अधिक लोगों को पहुंचाता है, तो उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। और एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आप मोबाइल पे बात करते होंगे किसी खास आदमी से, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन का इतिहास आप देख सकते हैं कि पहले लोग एक दूसरे से जाकर बातें किया करते थे, फिर धीमे धीमे कबूतर का यूज़ हुआ, या फिर जब राजा को कुछ बात कहना होता था तो ड्राम बजा करके कहा जाता था, फिर उसके बाद डाकिया आया, डाक के जरिए से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया गया, फिर न्यूज़पेपर्स आए, और न्यूज़पेपर्स के बाद अब ये टेलीविज़न है एंड इंटरनेट अब आ चुका है, सोशल मीडिया भी। कम्युनिकेशन का यूज अब बहुत एडवांस्ड हो चुका है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि अब तो पढ़ाया भी जा रहा है, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है। और एजुकेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, ये सब अब कम्युनिकेशन में आता है, सीरियल्स चल रहे हैं तरह तरह के। और जो ये टेलीविज़न और रेडियो या ये सब होता है जो कि मास कम्युनिकेशन हमने बताया, उसी को मास मीडिया कहा जाता है। आपका टीवी अगर चलता है तो उसमें सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो सैटेलाइट का एक एग्जाम फोटो यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं। तो सैटेलाइट जो है कि साइंटिस्ट लोग बनाकर ऊपर आसमान में छोड़ता है, वहाँ पे वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और वहाँ से बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि वाइल एक्सप्लोर, कहाँ पे वाइल है पृथ्वी में, या फिर फॉरेस्ट का सर्वे करने में, या फिर कहाँ पे वाटर निकलेगा, अंडरग्राउंड में ज़्यादा वाटर है या कम है, ये सब इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के जरिए निकाले जा रहे हैं। मिनरल्स भी जहाँ से निकलेंगे, इस तरीके से वेदर के बारे में आप जानते होंगे, पहले ही दिया जाता है कि यहाँ पे आंधी तूफान आने वाला है, तो ये सब सैटेलाइट के जरिए ही हो रहा है।
अब तो कम्युनिकेशन का इतना एडवांस्ड रूप हो चुका है कि आप देखकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। सेलफोन का यहाँ एग्जांपल दिया गया है, तो सेलफोन क्या अब तो स्मार्टफोन आ चुका है। और फिर इंटरनेट के बारे में हम क्या बताएं, आप तो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये क्या क्या चीज़ और आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप घर बैठे सिनेमा हॉल का टिकट कटा सकते हैं, अपने बिजली बिल भर सकते हैं और टैक्सी मंगा सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हो रही हैं, इस बुक में तो कम ही लिखा गया है। अब लोग एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हो चुके हैं कि यहाँ से अमेरिका में बैठे हुए लोग से दो मिनट में देख कर बातें हो सकती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि एक ऐसा समाज बन चुका है, पूरा दुनिया एक ग्लोबल समाज बन चुका है। इसलिए इसे कहा गया है कि लार्ज ग्लोबल सोसाइटी, यहाँ पर लिखा गया है कि एक दुनिया ग्लोबल सोसाइटी बन चुका है। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बहुत ईजी है, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज आप लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेटलमेंट। सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं। तो सेटलमेंट वही हुआ कि प्लेस, वैसे जगह जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं फिर वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद लिख है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल। तो गांव के लोगों के द्वारा क्या काम किया जाता है, तो वही जो पॉटर बनाने का, पॉट बनाने का, या फिर सिलाई मशीन, या फिर एग्रीकल्चर लिख दीजिएगा, और या फिर फिशिंग है, या फॉरेस्ट लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो ये सब कार्य आप लिख दीजिएगा। फिर है कि मेंशन यानी टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज, रेलवेज का टू मेरिट्स लिखिए। तो रेलवेज का मेरिट्स ये है कि ये सस्ता भी है, दूसरा बात कि भारी गुड्स को आप एक जगह से लंबी दूरी तक पहुंचा सकते हैं और एक्सीडेंट का खतरा कम रहता है इसमें, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। फिर है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आप अपना बात किसी और को बताते हैं, अपना मैसेज किसी और को देते हैं, या फिर उसका मैसेज आप लेते हैं, तो इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ऐसे आप डिफाइन कर दीजिएगा। फिर है कि व्हाट इज़ मास मीडिया। तो वैसे कम्युनिकेशन का प्रकार जिसमें एक साथ एक से अधिक लोगों को संबोधित किया जाए, मतलब एक से अधिक लोगों को अपना मैसेज बताया जाए, तो उसे मास मीडिया कहते हैं। फिर है कि विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे एक वर्ड है टेबल। तो टेबल कैसे भाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद है कि विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब जो रोड बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये समझ लीजिए। तो उसे सबवेज कहा जाता है या अंडरवेज भी कहा जाता है, तो सबवेज हो जाएगा। फिर आए कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सुटेबल टू रीच आइलैंड। आपको मान लीजिए किसी आइलैंड पर जाना है, आइलैंड का मतलब होता है कि चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, तो उस लैंड पे आपको जाना है जहाँ चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, तो आपको जहाज़ से ही जाना पड़ेगा, जिसे सिप इंग्लिश में कहा जाता है, तो सिप ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर है कि विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कौन सा व्हीकल पॉल्यूट नहीं करता है, तो एरोप्लेन तो करता ही है, बस करता ही है, तो साइकिल हो जाएगा। साइकिल से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, एरोप्लेन और बस में ये समय पेट्रोल डीजल का यूज़ होता है, इसलिए करता है। फिर उसके बाद आपका ये मिलान करने वाला है, तो इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। फिर एक रीज़न देना है कि टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, मतलब कि जो अभी का दुनिया है ये श्रिंक कर रहा है, मतलब छोट होता जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि दुनिया पहले बहुत बड़ा लगता था, लेकिन आज इतना श्रिंक मतलब छोटा होता जा रहा है। जैसे कि आपके पास फ़ोन है तो अमेरिका में बैठे हुए आदमी से भी एक तनिक में बात कर सकते हैं, आप 8 से 10 घंटे में अमेरिका पहुंच सकते हैं जहाज़ के ज़रिए से। तो समझ लीजिए एक तरह से दुनिया जो है छोटा होते जा रहे हैं, तो इसी चीज़ को आपको लिखना है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मेरे द्वारा ये हाईलाइट पीडीएफ मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आगे भी मुझे ऐसे ही पढ़ाना चाहिए और आगे भी वीडियोज़ आएँ, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।